सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति पक्की। कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। अब राष्ट्रपति की ओर से वारंट जारी होना बाकी। तालिबान ने अमेरिका को फिर दिया अल्टीमेटम। कहा 31 अगस्त तक देश छोड़े अमेरिकी सैनिक। तुर्की को भी 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। अफगानिस्तान को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे सभी दलों को हालात की जानकारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरा। लेह में स्पीकर बिरला का स्वागत। जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के गुण सिखाएंगे बिरला। राजस्थान रिफाइनरी की आज समीक्षा बैठक। वीसी के जरिए सीएम गहलोत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मंत्री प्रमोद जैन भाया और हरीश चौधरी सहित विधायक अधिकारी भी होंगे शामिल। केरल में कोरोना से कोहराम। एक दिन में 31,000 से ज्यादा केस। ओणम त्योहार का दिखा असर। मरुधरा के 6 जिलों में पंचायत का रण। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के पहले चरण का जारी मतदान। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग। प्रदेश में आज भी दिखा रफ्तार का कहर। बीकानेर के महाजन में ट्रक और एम्बुलेंस की भिड़ंत। एम्बुलेंस चालक की मौत तो सिरोही के स्वरूपगंज में 2 ट्रकों में टक्कर। एक चालक की मौत। कोटा के सुल्तानपुर में कार सवार युवकों ने मारी टक्कर। एक युवक घायल 2 बाइक क्षतिग्रस्त। शराब के नशे में थे कार सवार युवक। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी। 9वीं 11वीं के बच्चे सुबह 7:30 बजे तो 10वीं और 12वीं के बच्चे 8 बजे से आएंगे। प्रार्थना सभा और सामूहिक आयोजन पर रोक।